क्या मगरमच्छ के आंसू असली होते हैं? और फ्लेमिंगोस एक पैर पर क्यों खड़े रहते हैं? और अगर एक भालू आपके ऊपर अटैक करता है तो क्या भागना सही होगा? सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मिथ नंबर वन, अगर आपको बुखार है तो आपको कम खाना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपको बुखार है तो आपको कम खाना चाहिए, लेकिन कम खाना खाने से आपके इम्यून सिस्टम को नुकसान होगा। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप खा सकते हो तो भरपूर खाओ और पानी ज़रूरत के हिसाब से पीना। तो ये मिथ झूठा साबित हुआ कि आपको बुखार में कम खाना चाहिए। मिथ नंबर टू, अगर एक भालू आपके ऊपर अटैक करता है तो आपको पहली फुर्सत में भागना चाहिए। तो अगर भालू आपके ऊपर अटैक करता है तो ज़्यादातर लोग भागने के बारे में सोचते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक भालू को देखते हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं हिलना है। और अगर भालू आपके ऊपर अटैक करता है तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर वो भालू ब्लैक बेयर है तो आपको उसके ऊपर पत्थर फेंकने चाहिए। और अगर भालू ग्रिजली बेयर है तो आपको मरने की एक्टिंग करनी है। और अगर आपके पास बेयर स्प्रे है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। और भालू से फाइट करने की तो बिल्कुल मत सोचना। Somehow always sleeping on the grass. Mommy always calls me fat. What else do you want from me? I just want some rice and tea. No! तो ये मिथ झूठा साबित हुआ। मिथ नंबर थ्री, नींबू मिर्ची लटकाना अच्छा होता है। तो ऐसा माना जाता है कि नींबू मिर्ची लटकाने से बुरी नज़र से बचा जा सकता है और लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो ये कॉटन का धागा होता है वो नींबू के सिट्रिक एसिड, मिर्ची के विटामिन सी और बाकी न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेशन से एक स्मेल रिलीज होता है जो कीड़े मकोड़ों को दूर रखता है। तो ये मिथ ट्रू है कि नींबू मिर्ची लटकाना अच्छा होता है। मिथ नंबर फोर, फ्लेमिंगोस पानी में एक पैर पर खड़े रहते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। ऐसा माना जाता है कि पानी में एक पैर पर खड़े रहने से फ्लेमिंगोस ठंड से बचते हैं, लेकिन इसका रियल रीज़न ये है कि ये पोजीशन उनके लिए सबसे कंफर्टेबल होती है। तो ये मिथ झूठा साबित हुआ। मिथ नंबर फाइव, मगरमच्छ के आंसू असली होते हैं। हम इंसान तब रोते हैं जब हम बहुत दुखी होते हैं, और अगर कोई सच में नहीं रो रहा, सिर्फ रोने की एक्टिंग कर रहा है तो उसे हम मगरमच्छ के आंसू बोलते हैं। तो क्या मगरमच्छ सच में रोते हैं? तो क्रोकोडाइल का जबड़ा इस तरीके से बना होता है कि वो खाने को चबा नहीं सकते, वो उसे निगलते हैं, और जिस तरीके से वो खाते हैं उससे उनकी आँख में आंसू आते हैं। तो उनके आंसू आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। तो ये मिथ ट्रू है कि मगरमच्छ के आंसू असली होते हैं। बस किसी मगरमच्छ को रोदलू मत बोलना। हे हे रोदलू। नानी, ओमाए वा मो सिंदे इरु। कछुए इतने स्लो क्यों होते हैं? ये जानने के लिए स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, उस वीडियो पर क्लिक करो।